खगड़िया जिला के प्रखंडों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मानसी में सीता कुमारी नगर सभापति में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। बुनियाद केंद्र बेलदौर में महिलाओं ने केक काटकर महिला दिवस मनाया। नारी सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुनियाद केंद्र के प्रबंधक अमानुल्ला अथर ने नारी सशक्तिकरण को लेकर जोर दिया। नगर सभापति सीता कुमारी ने कहा कि दुनिया की आधी आबादी हम महिलाओं के लिए आज का दिन गौरव व सम्मान का दिन है। अपनी शक्ति को पहचानने का दिन है। नारी शक्ति को एकत्रित कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा का दिन है। कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पीढ़ी शिक्षित व जागृत होती है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियां शिक्षित व जागृत हो जाती हैं। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। देखिए, बुनियाद केंद्र, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बुनियाद केंद्र में जो सेवाएं मिलती है उनके बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि ये वृद्ध और विधवाओं और महिलाओं के क्षेत्र में काम करती है। समाज कल्याण का एक पार्ट है। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो दिवस मनाया जाता है, जो 8 फरवरी को मनाया जा रहा है आज, ये महिलाओं के उत्थान के लिए मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक प्रताड़ना से बचाया जाए, उसको महिलाओं को जागरूक किया जाए, महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बताया जाए, महिलाओं को भ्रूण हत्या के बारे में बताया जाए, उसके पाप के बारे में बताया जाए, उससे महिलाओं की कितनी कमी हो रही है, कितनी कमज़ोर पड़ रही हैं महिलाएं, उसके बारे में बताया जाए, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए, महिलाओं का सामाजिक उत्थान किया जाए और महिलाओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए, और साथ ही महिलाओं को सरकार के द्वारा योजनाओं के बारे में, सरकारी लाभ के बारे में बताया जाए, साथ ही महिलाओं का के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी दिवस, नारी मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी ऐसी नारी के लिए दिवस और दिन मनाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम अमानुल्ला अथर हूँ, मैं बुनियाद केंद्र का प्रबंधक हूँ। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।